हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एमडीएफ या फिर एमडीएफ का किसी भी तरह का फर्नीचर हो उसके ऊपर हम पेंट किस तरह से कर सकते हैं। इसके लिए हमने ये वीडियो में शुरू से लेकर यानी कि सैंडिंग वर्क से लेकर प्राइमर और फिर ऑयल पेंट करते हुए वहाँ तक की पूरी प्रोसेस दिखाई है। तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखना, आपको पूरी माहिती मिलेगी। सबसे पहले तो हम प्राइमर बना लेते हैं। प्राइमर और पेंट जो भी हम करने वाले हैं वो इलेक्ट्रिक स्पेगन की मदद से करने वाले हैं, या फिर आप चाहो तो इस तरह से हम यूज़ करें ना HPLP स्प्रेगन, इसकी मदद से कर सकते हो। तो सबसे पहले हम कलर को अच्छे से छान लेते हैं, क्योंकि छानना ज़रूरी है, कचरा वगैरह ना आए उसे। और उसके बाद MDF के ऊपर इस तरह से कहीं पे निशान हो या फिर कहीं पे कचरा वगैरह हो, जो MDF पर होता है ना कंपनी के स्टिकर वगैरह, उसे सब अच्छे से क्लीन कर देना है। और 150 नंबर या फिर 220 नंबर के पेपर से उसे पूरी प्लेन सरफेस ही होती है फिर MDF की, पर उसे अच्छे से इस तरह से सैंडिंग कर लेना है, क्योंकि उसके अंदर डानी वगैरह कुछ हो या फिर कचरा लगाओ तो सैंडिंग करने से वो क्लीन हो जाए। उसके बाद ही हमें गन या फिर आपके पास कपड़ा वगैरह है तो उससे एयर लगा के या फिर कपड़े से साफ करके अच्छे से क्लीन कर देना है। अभी जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने स्टार्टिंग में ही गन में कलर डाला था ना प्राइमर, वो हम इसके ऊपर लगा रहे हैं। आप चाहो तो यहाँ पर ऑयल पेंट जो आता है ना वो लगा सकते हो। कौन सा मैं ऑयल पेंट बोल रहा हूँ तो दोस्तों, वुड के लिए अलग से वुड प्राइमर आता है ऑयल बेस में, वो लगा सकते हो अगर आप चाहो तो, वरना मेरी तरह आप वाटर बेस्ड पेंट लगा सकते हो। यहाँ पर दोस्तों देखो किस तरह से लगाना है, जो प्राइमर है ना उसको बिल्कुल इस तरह से वाइट दिखना चाहिए, तब तक हमें एक या दो कोट में अच्छे से क्लीन कर देना है। और ये बॉर्डर चारों तरफ दिख रही है ना, वहाँ पे हमारे पास ये 5 mm का शीट है, आपके यहाँ थोड़ा मोटा हो तो वहाँ पे एक्रेलिक पुट्टी लीजिए और उसे अच्छे से क्लीन कर दीजिए, मतलब ये उंगली से उसे फिलअप कर दीजिए, क्योंकि ये नहीं करोगे तो वहाँ से जो कलर होता है ना वो सोखेगा और फिर वहाँ पे कलर को अच्छे से दिखने नहीं देगा, ऐसा लगेगा कि छूट गया है वैसा। तो इसके लिए आपको वो ध्यान में रखना है कि अच्छे से वहाँ पे पुट्टी वगैरह ले ले। और उसके बाद देखो यहाँ पे मैं फिर से 220 नंबर का पेपर ले आऊँ और प्राइमर को 4 से 6 घंटे सूख जाए, उसके बाद इस तरह से सैंडिंग करना है। सैंडिंग हमें इसलिए करना है कि प्राइमर जब हमने सुखाने रखा हो तो तब कभी दाने या फिर कोई धूल मिट्टी लगी है तो उसकी वजह से थोड़ा सा रफ फिनिश हो जाता है, तो उसकी वजह से पेपर लगाएंगे तो एकदम चिकना स्मूथ फिनिश हो जाता है, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। अभी फटाफट इसे पूरा हम सैंडिंग कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ तक कि आपको प्रोसेस समझ आई हो और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। जैसे कि देखो यहाँ पर हमने क्लीन कर दिया, सेम उसी तरह से हम दूसरी तरफ भी कर देंगे, फटाफट से करते हैं। अभी बात याद रखना दोस्तों, जैसे कि मैंने प्राइमर के टाइम नीचे खिली वाले पट्टियाँ रखे थे ना छोटे छोटे बना के, उसके वजह से हम दोनों साइड एक साथ कर सकते हैं। ये कि आप चाहो तो आजमा सकते हो। अभी इसके अंदर हमने ऑयल पेंट डाल दिया है, वो थोड़ा स्मोक ग्रे जैसा कलर है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ये मैंने फिर से आपको दिखाया नहीं है कि गन में किस तरह से डालना है। पीछे आप डब्बे दिख रहे हो ना, उसमें एशियन पेंट का हमने ऑयल पेंट वाला इनेबल पेंट होता है वो यूज़ किया है। अब इसकी लेयर हमें इस तरह से रखनी है। देखो यहाँ पर जो मेरा दोस्त है वो कर रहा था, उसको थोड़ा समझ नहीं आ रहा था तो मैं समझा रहा हूँ कि भाई तू गन को इस तरह से सीधा मत रख, थोड़ा सा टेढ़ा रख, ताकि जब हम एक पट्टे के बाद दूसरा पट्टा करें तो उसकी ओवरलैप हो और अच्छे से उसकी फिनिशिंग आए। तो उसके लिए इस तरह से हमने उसको सजेशन किया था। या आप गन चलाना सीखना चाहते हो तो उसके लिए मैंने एक वीडियो डेडिकेटेड बना के रखा है, उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे जाकर सीख सकते हो। तो ये हमारी ऑलमोस्ट एक कोर्स कंप्लीट हो चुका है। ये वीडियो आपको पसंद आए तो फिर से बोलता हूँ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।